मिलता है फॉर्मूला ऑडिटिंग। तो फॉर्मूला ऑडिटिंग का काम क्या होता है, इसके अंदर ही कई सारे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे ट्रेस प्रिसिडेंट का ऑप्शन है, यहाँ ट्रेस डिपेंडेंस का ऑप्शन है, रिमूव का है, आप शो फार्मूला है, यहाँ पे एरर चेकिंग है। ये क्या है, कई तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, एक एक करके इनको समझ लेते हैं कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या, जैसे लिखा है ट्रेस प्रिसिडेंट, तो ये क्या करता है, जो फार्मूला आप यूज करोगे उस फार्मूले में वैल्यू कहाँ से आई है उसको यहाँ पे बताता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे अपन लगाते हैं इक्वल सम फंक्शन, इसके बाद टैप करेंगे। अब अपन जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं, इसका सम आ गया। इसके बाद अपन यहाँ पे लगाते हैं काउंट, काउंट के बाद टैप करेंगे और यहाँ पे अपन इसको काउंट कर लेते हैं। ये दो फंक्शन हमने यूज किया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे अपन एक और सम का यूज करते हैं, इक्वल सम फंक्शन, और अपन इस बार इसको टोटल कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ फंक्शन लगाए हुए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे चेक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, पहला मिलता है ट्रेस प्रिसिडेंट, ये क्या बताता है कौन कौन डिपेंडेंट है इसमें क्या है? जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे ट्रेस पे क्लिक करें, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू, ये फार्मूले में जो वैल्यू आई है वो कहाँ से आई है वो बता रहा है। इसमें क्या यूज हुआ है, ये पूरी टेबल का डेटा है। साथ ही क्या है, जैसे अपन इस पे क्लिक करें, इस फार्मूले पे क्लिक किए, अब अपन क्लिक करते हैं ट्रेस प्रिसिडेंट पे, तो ये देख सकते हो ये भी बता रही है वैल्यू कहाँ से आई है। यहाँ पे डेटा सेलेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे अपन इसको क्या करते हैं, सेंटर में करते हैं। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हो, ये हमारे पास टेबल है। अब ये यहाँ पे क्या लगे हैं, फार्मूले। अब हम जैसे यहाँ पे किसी फार्मूले पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हमें पता करना है कि इसमें वैल्यू कहाँ से ली गई है, तो इसके लिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होता है ट्रेस प्रिसिडेंट का, इसका यूज होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि ये आपने इस फार्मूले में जो वैल्यू लगाई है वो वैल्यू कहाँ से ली गई है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट है। तो और इसी के साथ जैसे अपन इसको क्या करें, ये रिमूव एरो का ऑप्शन है, इसमें यदि आप क्लिक करोगे तो रिमूव प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट का भी ऑप्शन है, तो आप क्या रिमूव एरो भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, सभी एरो को एक साथ रिमूव करता है। अब यहाँ पे अपन क्या है, जैसे 25 पे आते हैं, अब इसमें हम पता करना चाहते हैं कि जो फार्मूला हमने लगाया है उस फार्मूले का डेटा कहाँ पे है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट पे, तो आप देख सकते हैं बता रहा है कहाँ पे डेटा है इसका। तो ये तो हो गया इसके लिए, फार्मूले से आपको डेटा पता करने के लिए। अब आपके पास आता है यहाँ पे कि आपको पता करना कि जो डेटा है उस डेटा को कहाँ पे यूज किया गया है। जैसे अपन क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट करें इसको, फर्स्ट रो को हमने सेलेक्ट किया, अब हम पता करना चाहते हैं कि इस डेटा को कहाँ पे यूज किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट का ऑप्शन आता है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये बता रहा है कि इस डेटा को क्या है, ये 6 नंबर जो कैलकुलेशन किए गए इसमें यूज है और यहाँ पे 26 पे यूज है। यदि आप क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और आप इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट, तो ये बता रहा है इस कॉलम की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 फार्मूले में यूज की गई है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, एक्सेल शीट में जब आप फार्मूले लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, आप चेक करना चाहते हैं कहाँ पे फार्मूले, किस फार्मूले का डेटा कहाँ से आया है या किस डेटा से कौन से कहाँ पे फार्मूले लगाए गए हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जब कभी आपको डेटा डिलीट करना होता है तो उससे आप क्या है, एरर से बच सकते हैं कि मान लीजिए आपने ये क्या है, ये डेटा है इसको आपने डिलीट कर दिया, तब इसमें होगा कि ये फार्मूला यहाँ पे जो लगा है ये काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आप पहले चेक कर सकते हैं कि इस डेटा को कहीं पे यूज किया गया है या नहीं किया गया है, इसके बाद फिर आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रेस प्रिसिडेंट कैसे निकालते हैं और ट्रेस डिपेंडेंस कैसे निकालते हैं, और इनको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये रिमूव एरो का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या है, रिमूव हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, वो आता है शो फार्मूला का। अब आपके पास टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ क्या वैल्यू दिखा रही है आपको, कहीं पे भी फार्मूला शो नहीं हो रहा है। अब हम चाहते हैं जहाँ पे भी शीट के अंदर फार्मूला लगा है वो फार्मूला ऑटोमेटिक शो हो जाए,
ऐसा कैसे होगा ये, क्योंकि फार्मूला देखना है तो हमें क्या करना होता है, आप उस वैल्यू पे क्लिक करते हैं, फिर आप F2 बटन प्रेस करते हैं, या फिर आप फार्मूला बार पे आते हैं उसमें फार्मूला शो होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस शीट के अंदर जितने फार्मूला यूज हैं सब शो हो जाएं, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन दिया गया है फार्मूला ऑडिटिंग के अंदर शो फार्मूला का। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे जैसे इसकी साइज यहाँ पे कम करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, जितने फार्मूला लगाए गए हैं इस शीट के अंदर वो आपको शो हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे काउंट का है, सम का है, यहाँ पे काउंट का लगा है, फिर यहाँ पे सम है, तो ऐसे क्या है आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहाँ इस शीट के अंदर कौन कहाँ पे फार्मूले लगाए गए हैं। इसी के साथ यहाँ पे क्या है, इनको हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हो, और साथ ही इसका शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या करेंगे आप कंट्रोल के साथ जो सिंगल यहाँ पे सिंगल कॉमा होता है उसको आप प्रेस करेंगे तो उसमें भी क्या होता है, यहाँ पे जो डेटा है वो इसमें शो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या देखा अपन ने कि कैसे फॉर्मूले को अपन क्या है शो कर सकते हैं या फार्मूले के यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है एरर चेकिंग का, कि आप जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाए हैं, टेबल आपने जो क्रिएट किया है उसमें यदि कोई एरर आ रही है उसको आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। वैसे नॉर्मली यदि अपन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला है, इसमें फिलहाल कोई एरर नहीं है, लेकिन आप देखें ये 25 जो है यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ एरर मैसेज आता है, यहाँ पे आप नीचे क्लिक करेंगे इसमें भी एरर मैसेज आता है। तो आपको प्रॉपर चेक करना है कि हमारी शीट में हमारे डेटा में कहाँ पे एरर है, उसके लिए यहाँ पे एरर चेकिंग का ऑप्शन दिया है। अब चेक कैसे करेंगे, आप स्टार्टिंग में कहीं पे क्लिक कीजिए, अब इसमें एरर चेकिंग का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है एरर चेकिंग और ट्रेस एरर। आप ट्रेस एरर पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, कंटेंट आर एरर अवेलेबल। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एरर चेकिंग पे क्लिक करना है। तो एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया, जैसे इसको क्या करें कट करें, अपन हाई कहाँ पे इसमें स्टार्टिंग में है वन पे, आप देख सकते हो जैसे हम क्या करते हैं एरर चेकिंग पे क्लिक करते हैं तो ये जो डेटा है यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है 25, और इसमें आप देखोगे इसका एड्रेस दिखा रहा है सेल एरर इन सेल है I6, इसका एड्रेस यहाँ पे क्या है I6, और इसमें फार्मूला लगा हुआ है इक्वल सम D3 कॉलन साइन D7, तो ये फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें क्या है एरर आ रही है। तो यहाँ पे आप देखें कई सारे ऑप्शन है, अपडेट फार्मूला टू इंक्लूड सेल, हेल्प ऑन दिस एरर, यहाँ पे आता है इग्नोर एरर और एडिट इन फार्मूला बार। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन है इनका आप यूज कर पाएंगे, आपको इग्नोर करना है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, अपडेट करना है जैसे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है अपडेट हो जाता है। साथ ही ये क्या जैसे इसमें इसको आपको अपडेट करना है, अपडेट करेंगे एरर यहाँ पे क्या है दिस एरर चेक इज कम्प्लीट ओके। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में जो एरर आ रही थी ये यहाँ पे शो नहीं होती है। जैसे आप फिर से एरर चेक करें एरर चेक से, तो ये मैसेज क्या आता है, द एरर चेक इज कम्प्लीट फॉर द एंटायर शीट, यानी इस शीट में क्या है एरर चेक जो है कम्प्लीट हो चुका है। ये ऑप्शन मिलता है कि आप एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे एरर भी चेक कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे इवैल्यूएट फार्मूला। तो इवैल्यूएट फार्मूले का काम क्या होता है, जो आपने फार्मूला लगाया है तो उसको आपको इवैल्यूएट करना है, यानी फिर से फार्मूले को चेक करना है प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, उस कंडीशन में आपका इवैल्यूएट का यूज कर सकते हैं। जैसे अपन किसी पे क्लिक करें, यहाँ पे 77 है ये फार्मूला लगा है, या फिर आप इसमें क्लिक करें, तो अपन ने इसमें क्लिक किया, अब अपन चलते हैं कहाँ पे इवैल्यूएट फार्मूले पे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिलता है इवैल्यूएट फार्मूले का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें जो एड्रेस शो कर रहा है ये एड्रेस शो कर रहा है किसका, इक्वल सम फंक्शन D2 से D12, ये जो यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है। अब इसको आपको इवेल्युएट करना है तो आप इस पे इवेल्युएट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका टोटल कितना आ रहा है 77। आप इसको साइड में कीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी है 77। तो आपने जो फार्मूला लगाया है उसे फिर से इवेल्युएट करना है, चेक करना है, तो उस कंडीशन में क्या है ये जो इवेल्युएशन का ऑप्शन होता है इसे आप एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसी में नेक्स्ट आता है वॉच विंडो का।
ये वॉच विंडो क्या करता है, आपके पास जो डेटा है उसमें आपको यहाँ पे चेक करना है उसको। तो आप वॉच विंडो पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या है, आपको जो वॉच जो डेटा है उसे आप देख सकते हैं। जिस यहाँ पे ऐड वॉच पे क्लिक किए, ये डेटा सेलेक्ट हुआ, ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा दिखा रहा है। बुक का नाम दिखा रहा है, बुक वन सीट वन। यहाँ पे सेल का नाम, सेल दिखा रहा है, सेल में वैल्यू कौन सी है। जैसे यदि अपन इसकी साइज इंक्रीज करें, यहाँ पे अपन वॉच विंडो की साइज इंक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई सारी कैटेगरी दिखा रही हैं, बुक सीट नेम सेल वैल्यू और फार्मूला। तो आप क्या है, किस सीट में, किस बुक के अंदर कौन सी सीट है और यहाँ पे उसमें नाम क्या दिया गया है, किस सेल सेल का एड्रेस क्या है, यहाँ पे उसमें वैल्यू क्या है, फार्मूला कौन सा यूज हुआ है, ये सभी चीजें आप यहाँ पे वॉच विंडो में देख सकते हैं। जैसे अपन इसको ड्रैग करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस डेटा में क्या कहीं पे भी फार्मूला नहीं लगा हुआ है और किस एड्रेस पे किस सेल के अंदर कौन सी वैल्यू वो यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखे C4 में कितना है, 3 है। अपन आते हैं टेबल पे, तो टेबल पे आप देखेंगे ये आता है C, और C में ही आपको देखना क्या है, 4। ये 4 में आप देखें तो ये कितना वैल्यू है, यहाँ पे 3 वैल्यू है, यही वैल्यू यहाँ पे शो करती है। यदि आप इसको क्लोज करें और अपन फार्मूले पे आते हैं, जैसे ये फार्मूला है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वॉच विंडो पे क्लिक करते हैं, ऐड वॉच पे जाएंगे और इसको ऐड करते हैं। तो ये क्या यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में शो हो जाता है कि शीट वन में I9 पे क्या है, ये वैल्यू है 66 और इसमें ये फार्मूला लगा हुआ है इक्वल सम C2 से C12। तो ऐसे आप क्या है, अपने जो डेटा है उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेबल में आपके पास डेटा क्या है एक साथ रहेगा, लेकिन आपको कैटेगरी वाइज चेक करना है तो वो आप यहाँ पे चेक करवाएंगे। आपको नाम मिल जाता है, जैसे हेडिंग वगैरह दी है वो नाम मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सेल का एड्रेस मिल जाएगा और उसकी वैल्यू और फॉर्मूले, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे क्या है अलग अलग मिल जाती हैं।